गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर सविता मौर्य। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ाने जा रही हूँ। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? आज का टॉपिक है कारक। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में कारक के बारे में जानेंगे और समझेंगे। कारक किसे कहते हैं या कारक की क्या परिभाषा होती है? आइए बच्चों, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कारक की परिभाषा लिखी है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, मैं कारक की परिभाषा पढ़ती हूँ और आप भी इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के इस रूप के द्वारा इसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। समझ में आया बच्चों, कारक किसे कहते हैं? मैं इसको एक बार और पढ़ती हूँ ताकि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा इसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। ठीक बच्चों, पता चल गया कि कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप है उसके द्वारा ये पता चले कि इस शब्द का दूसरे शब्द से क्या क्या संबंध है, उसे हम कारक कहते हैं। आइए बच्चों, हम कारक के भेद के बारे में भी जानते हैं। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से? आपको याद, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि कारक के कितने भेद हैं, बताना होता है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो कितने हैं कारक के भेद? 8। कौन कौन से है मैंने यहाँ पे नाम पढ़ के बताया, एक बार और मैं पढ़ देती हूँ ताकि ये आपको अच्छे से याद रहे। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा आपदान कारक, छठा संबंध कारक, सातवा अधिकरण कारक, आठवा संबोधन कारक। तो ये तो हमने बच्चों यहाँ पर कारक की परिभाषा और कारक कितने प्रकार के होते ये हमने जाना। आइए हम कारक को और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है कि कारक की विभक्ति क्या होती है और कारक से बने हुए कुछ वाक्य। तो बच्चों आइए हम समझते हैं और इस पढ़ते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक और इसका चिन्ह क्या है बच्चों? ने। कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या है बच्चों? ने। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। तो पहला क्या है बच्चों? कर्ता, यानी जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति या चिन्ह है ने। अब इसका वाक्य प्रयोग है, कृष्ण ने कंस को मारा। यहाँ पे क्या है? कृष्ण ने कंस को मारा। अब पता ही चल रहा है कि कृष्ण कोई कार्य करे क्या? इसमें क्या कर्ता कारक में क्या पता चल रहा है? क्रिया को करने वाला। तो क्रिया को करने वाला कौन है यहाँ पे? कृष्ण। कृष्ण क्या कर रहे हैं? कंस को मार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है कर्म कारक। इसकी विभक्ति क्या है? को। दूसरा क्या है बच्चों? कर्म कारक। कर्म कारक, किस शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि जिस शब्द पर कर्ता का फल, सॉरी, जिस शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति या चिन्ह क्या है? को। जैसे मोहन को बाजार जाना है। मोहन को क्या कर रहा है? मोहन को। तो को क्या है? ये हमारा चिन्ह है कारक का। मोहन को बाजार जाना है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं करण कारक। तीसरा क्या है बच्चों? करण कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से द्वारा। ठीक, इसकी विभक्ति क्या है बच्चों? से द्वारा। जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जिस साधन के द्वारा या जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है से। वाक्य प्रयोग है, वह गेंद से खेलता है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा होगा, वह गेंद से खेलता है, यानी कि इससे पता चल रहा है ना कि किससे कार्य पूरा हो रहा है, किससे खेल रहा है? वो गेंद से खेल रहा है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह क्या है? के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है बच्चों? के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे
माँ रूबी के लिए टॉफी लाई। ध्यान दीजिए बच्चों, इसने बताया ना जिसके लिए क्रिया की जाती है, तो इसका चिन्ह क्या है, के लिए, और यहाँ पे वाक्य प्रयोग है माँ रूबी के लिए टॉफी लाई। तो यहाँ पे बता रहा है कि माँ किसके लिए लाई है, रूबी के लिए टॉफी लाई। पांचवा है आपदान कारक, इसका चिन्ह क्या है बच्चों, से, जो कि क्या भाव देता है, अलग होने। ठीक बच्चों, अलग होना हमारा पांचवा पॉइंट है, आपदान कारक इसका चिन्ह है से अलग होना। जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे आपदान कारक कहते हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपदान कारक में क्या है, जिससे किसी का अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पे आपदान कारक होता है। इसका चिन्ह है से और ये अलग होना। अब जैसे यहाँ पे वाक्य प्रयोग लिखा है पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि पेड़ से क्या हो गया, फल गिरा, तो यानी कि पेड़ से फल क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पता चल रहा है कि ये उससे अलग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, आपदान कारक लगा है। अब है छठा पॉइंट संबंध कारक, संबंध कारक इसकी विभक्ति है का, की, के, र, री, रे। संबंध कारक किसे कहते हैं बच्चों, जब शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक बच्चों, जब शब्द का संबंध दूसरे शब्द के दूसरे शब्द से बताया जाए तो वहां पे क्या होता है, संबंध कारक होता है। इसकी विभक्ति मैंने आपको बताया क, की, के, र, री, रे। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग है यह मोहन की कमीज है। अब यहाँ पे देखिए संबंध कारक बता रहा ना, कमीज किसकी है, मोहन की, तो मोहन से उसका संबंध है, कि कमीज किसकी है, मोहन की, तो उसे संबंध है, तो यहाँ पे क्या है, ये संबंध कारक है। सातवां पॉइंट है अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति क्या है, मैं, पर। अधिकरण कारक जिस शब्द से क्रिया के होने का स्थान पता चले, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द से क्रिया के होने का स्थान पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो बच्चों अब इसका जो चिन्ह है वो क्या है, में और पर। इसका वाक्य प्रयोग पढ़ते हैं, लोमड़ी गुफा में है। मैंने अभी बताया था आपको कि इसका क्या है, जिससे क्या पता चले, स्थान का पता चले, उसको क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। तो अब इसमें क्या पता चल रहा है, लोमड़ी किसमें है, गुफा में है, तो गुफा एक स्थान है, तो यहाँ पता चल रहा है ये अधिकरण कारक है, और इसकी विभक्ति क्या है, में, पर। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अपना आखिरी और लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, संबोधन कारक। संबोधन, संबोधन से ही आपको पता चल रहा है कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं या किसी को बुला रहे हैं, ऐसा मतलब संबोधन कारक से ही पता चल रहा है। किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है हे, अरे। अच्छा आपको समझ में आ गया, इसकी क्या विभक्ति है या चिन्ह है, हे, अरे। वाक्य प्रयोग अरे राधिका कहाँ दौड़ी, आपने ध्यान दिया होगा, संबोधन हम लोग भी जब कभी किसी को बुलाते हैं ना, अरे तुम कहाँ गए, अरे मम्मी पापा तो चले गए, ऐसे अरे करके बोलते ना, या कहते हे भगवान, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये संबोधन कारक है। तो बच्चों इस लेसन में मैंने आपको कारक की परिभाषा, उसके भेद और कारक से संबंधित मैंने ये चिन्ह और उसके वाक्य प्रयोग बताए। तो बच्चों इस लेसन में आपको, सॉरी इस लेसन में बस इतना ही, अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।